ये हमारे बाइक से जो पार्क होके रखे हैं इस होटल के बाहर। होटल जाएंगे, पहले एक काम कर लेता हूँ। जो दो तीन दिन से बहुत रेयरली मुझे डॉग्स मिल रहे हैं इसको फीड करने के लिए, तो एक पेडिग्री का बॉटल लेके ये जा रहा है। एक खाओ 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 खा बोले ले ले ले, ले। तो साइज़ इतना मोटा मोटा है इन लोगों का। चलो खाओ, वो भी खा रहा है, ये भी खा रही है, खाओ। हाँ ये खाएगी, एक्चुअली साथ में नहीं खाना चाहता था। बस तेरे को दिया था ना, बोतल ख़त्म। उठा उठा सो, हाँ जा मुंह पे से लेके दे। गुड, एक रिचुअल्स है जो हम लोग हर जगह करते हैं, वो है कि हमारा जो छाप स्टिकर्स है आई डिम राइट का, वो लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टिकर एक ऑलरेडी लगे हुए, तो हम लगा देंगे कहीं पे। लगा 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 लगा। सो वी आर डन डूइंग दिस छाप। हम लोगों ने अपना छाप छोड़ दिया है यहाँ पे। निकलने का टाइम हो चुका है भाई लोग, टाइम कितना हो गया देखो एक बार, 10:15 हो गया। चलो चलो चलो, लेट्स सी वेयर द डॉग गोस एट। हां ओके गाइस, इट्स टाइम टू मूव। टाइम राइट नाउ इज 10:36। 3085 पे हम लोग अपना बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इट वॉज प्लेजर एंड प्लीजेंट मीटिंग सर फ्रॉम, या श्योर श्योर नो प्रॉब्लम, बाय बाय। चलो चलो पेट्रोल तो भरा लेंगे, बोल टाटो लाइन लगी बोए। गाइस पादुम में एक मॉनेस्ट्री है जो बहुत ही फेमस है और हम लोगों का दिमाग से हट गया, वो है मॉनेस्ट्री, बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री है वो, नाम मैं भूल गया, मगर बहुत लोगों ने काफ़ी अच्छा अच्छा फोटोशूट भी, वीडियो शूट और मतलब बहुत ब्लॉगर्स लोगों ने ये वाला मोनेस्ट्री को लोगों को दिखाया ही होगा। यही है वो मोनेस्ट्री, आप लोगों को गोप्रो में दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री। कुमिक, वेलकम टू कुमिक, इस साइड में कुछ है। ओके 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पदुम वेयर वी स्टेड, यहाँ पर ये पेट्रोल पम्प है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है और ये आगे खलसे की तरफ फिर लिंगसेट की तरफ जाके आगे निकल जाएगा। एंड दिस गाइज हैव मिस्ड वन वेरी स्पेशल थिंग विच दे आर नॉट अवेयर ऑफ। सीधा सीधी सा दैट इज़ अ मोनेस्ट्री, ये तो बहुत फेमस मोनेस्ट्री हो यार, ये तो पहाड़ जो आसे लगी आसे ऊपर राइट हैंड साइड है, ये गुटे डांगर टू है, हाँ मोनेस्ट्री है, पादुम मोनेस्ट्री तो मजा आसे सला रात साल उठी जो जा पारे। सो दिस इज अ चेक पोस्ट, हम लोग अभी पता नहीं खराब रास्ता कहाँ से शुरू होगा, हम लोग 30 किलोमीटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। And we have to give our bike number, our name and our phone number. खराब रास्ता कहाँ से शुरू होगा? खराब दिन ना खराब तो नहीं है रास्ता, मार कच्चा रास्ता है। ये लिंकसेट वाला वही वाला रास्ता है ना? लिंकसेट वाला ही है। Okay okay. चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है। चढ़ाई ज़्यादा है ना? चढ़ाई ज़्यादा है। रास्ता ठीक ठाक है? रास्ता ठीक है ना, जो सेंटो आल्टो बाइक सब कुछ निकाल के जाता है यहाँ। ठीक है सर, निकलते हैं, बाय बाय। चेक पोस्ट के बाद भी हमारा ऑफ रोड शुरू हो गया, चलते हैं यार आराम आराम से। ये वाला इतना ज़्यादा भी ऑफ रोड नहीं है, हमने नेपाल में जो किया था बाप रे मुक्तिनाथ जाते वक्त, वो बहुत ही ख़राब रास्ता था। अच्छा बेला को देख के सब
कि गाइस, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये पादुम जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से एग्जैक्टली ये 43 किलोमीटर्स है। 43 किलोमीटर्स के बाद एक्चुअली ये थोड़ा सा ऑफ रोड क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाला रोड स्टार्ट हुआ है। सो एग्जैक्टली 43 किलोमीटर्स पादुम से यहाँ तक रास्ता, ये मक्खन वाला रास्ता आप लोगों ने देखा, और आगे जो रास्ता है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बाकी आप लोगों को पता चलेगा। पहले चलते हैं आगे। 43 किलोमीटर तक ठीक था, अभी रास्ता बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है, मतलब पत्थरों से भरा हुआ है एंड चढ़ना पड़ेगा। और सुनने में मिला है कि अब लद्दाख मतलब लेह तक पूरा रास्ता ऐसा है। थोड़ा सा धीरे चलाने के लिए ही बोलूँगा लोगों को, ज़्यादा स्पीड में ना जाए, बिकॉज ये पत्थर है, लूज पत्थर है, तो कभी भी स्किड होकर गिर सकते हैं। और रास्ता बहुत नैरो है, आप लोगों को तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। साइड में सीधा आप कुछ होता है तो सीधा नदी पे जाके गिरोगे। आप लोगों ने पंगी वैली का नाम सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर उस साइड पे एक रास्ता है किलर किश्वर करके, जो साच पास होके जाता है या साच पास के आसपास है। वो रास्ता वन ऑफ द वर्ल्ड का बहुत ही डेंजरस माना जाता है, और क्लिफ उसका जो है बहुत ही हाइट पे है। तो आई थिंक ये जो रास्ते पे हम लोग आ रहे हैं, दिस लुक्स समथिंग सिमिलर टू मी। हालांकि ये है कि नीचे यहाँ पे नदी है, वहाँ पे मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है क्योंकि मैं गया नहीं। बट यस, दिस रोड इज, ये तो फुल एडवेंचर वाला रास्ता है। आप लोग रोटी बनाए क्या? हमें ही दीजिए, खाऊंगा मैं। ये तो चांद नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, मतलब अभी ऐसे जाते रहने से नहीं खाता है। चना दीजिए थोड़ा, चना खाऊं? इतना नहीं चाहिए, एक दीजिए। खावा ओए, खावा ओए। ये आप लोग यहाँ पे काम चल रहा है ना, सो तो खाएगी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाओ आ जाओ, सब खा ले। इधर सो, आसान है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। रोटी ले ले, भैया लोग खिला रहे हैं यहाँ पे, वही बड़ी बात है। आई आइया, दीदी वो लो ना, चना नीचे, चना यहाँ से ही हो जाएगा भैया, चना यहीं से हो जाएगा। What do we call an act of kindness is this? People who are working here for the road construction are feeding us with roti and chane ka sabji. This is fantastic, you know, the love we receive from everybody. Dada, shobai, hello, bole den. Hello. Hello. Dhanyabad. Okay, dada, jabe. Thank you so much. यहाँ पे भालू भी निकलता है, दादा ने बोला। सब बंगाली लोग हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं। अच्छा लगा सबसे मिलके। इस रास्ते में थोड़ा सा सैंड भी है, ये देखिए, और रेत से मैं थोड़ा, ये देखिए, ये भी फिसल गया। ओके 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 ओके, एक मैं कैसे जाऊँ, इसको भी छोड़ के जा नहीं सकता। कैसे गिरा ये लोग, हाइट पे ज़्यादा वो हो गया शायद। यहीं पे दो बाइक गिर गया, मैं भी गिर गया, ये भी गिर गया। ही ख़तरनाक, एक स्टीप है, शाबाश, आराम से पैर नहीं गिरेगा तो गिर जाएंगे। और लेफ्ट, हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। गाड़ी जा रहा है एक नंबर गियर पे, आई थिंक दो नंबर पे तो जा ही नहीं रहा है। तो इस इंक्लाइन के ऊपर बोल रहा था शायद, ऐसे इंक्लाइन है 50 या 45 डिग्रीज का इंक्लाइन है। अभी तो थोड़ा ऐसा ही मिला, आई थिंक आगे होगा। और पावर बहुत मैटर करता है, नो डाउट, बाइक्स में पावर बहुत मैटर करता है। हम लोगों का तो एक्सपल्स है। मैं गिर गया,
जल्दी आओ जल्दी आओ। उफ, साला यहाँ से एक ही स्पीड में आना चाहिए था, और मैंने थोड़ा सा धीरे कर दिया तो पावर इसका ले नहीं पाया और मैं फाइनली गिर गया। लेट दिस गाइस कम एंड देन उठाते हैं बाइक को। सिटू तू ठीक है ना? तू तो ठीक है, इसने जंप कर दिया था पीछे से, इसको खोल भी नहीं सकता अभी। ये बहुत ही भारी बाइक है, मैं तो अकेला बिल्कुल उठा नहीं सकता। स्टीप तो है, यहाँ से सडनली बहुत ज़्यादा स्टीप है ये पार्ट। कैसे गिरे? ये ऐसे ही गिरा था, ऐसे ही गिरा। यहाँ पे ज़्यादा स्टीप है तो मेरा पिक वो नहीं ले रहा था। चलो रेडी स्टडी, उठाओ उठाओ। अभी रख, कैसे रख? बैठा रहेगा, इसको निकलने दे पहले। हाँ ये गिर गया ना, इसको भी चोट लगा। नहीं इसको कुछ नहीं हुआ, ये तो जंप कर गई। तू जा, इसको थक गई है। शुरू ठीक है ना? जरा नीचे नहीं जाना है, ठीक है? गंदी हो गई, कोई नहीं तो ठीक है। ये जंप कर गई थी। गिरने के बाद ये देखिए सीटू आ रही है। आजा 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 आजा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, इधर इधर। गाइस बेला को यहाँ खोल तो दिया, मगर ऐसे जगह पे खोलने से मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ये आप लोगों को दिखाता हूँ। बेला चली गई पहाड़ से नीचे। अब आप लोग ही बताओ कि इस पहाड़ के नीचे जाके मैं उसको कैसे ले आऊँ वापस। यहाँ माउंटेन्स बहुत फ्रेजाइल होते हैं, एनी टाइम लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहता है। बेला वापस आई कि नहीं आई, तो कैसी आई, ये आप लोगों को पता चलेगा अगले एपिसोड पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, एंजॉय होम।